हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ दुर्गा पूजा दशमी स्पेशल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के लुक गाइस आप कोई भी पूजा ओकेशन में क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए गाइज, और ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने के लिए फेस को मैं प्रेप कर लिया है एंड प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। सो मैं कंसीलर से स्टार्ट कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी पैलेट से ये येलो कलर कंसीलर को लेकर मैं फिंगर की मदद से सबसे पहले आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद फेस में भी अप्लाई करूँगी एंड नेक्स्ट एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरी फेस में मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड आज मैं कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी। नेक पे भी थोड़ा सा मैं कंसीलर अप्लाई की है। डे टाइम लुक में गाइस आप फाउंडेशन को ज़रूर स्किप कर सकते हो। तो मैंने पूरी फेस में कंसीलर को अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद सेम कंसीलर पैलेट से ये ब्राउन कलर शेड को लेकर मैं फेस को कंटूरिंग कर रही हूँ एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिंगर की मदद से मैं नोज़ को भी कंटूरिंग कर रही हूँ। पूरी फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर एंड ब्रश की मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। पूरी फेस में अप्लाई करूँगी एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक। उसके बाद स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट से ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इसे क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एंड आउटर वी पे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर वी पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ एंड उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। टाइम लेके इसे ब्लेंड करना है, तब तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी जब तक ना मुझे रिक्वायर्ड कलर मिल जाए। बहुत ही अच्छे से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये जो डार्क ब्राउन शेड है ना, इसकी मदद से मैं आईब्राउज को फिलअप कर रही हूँ। कोई भी आईब्राउ पेंसिल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं ब्लू हेवन की लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड आउटर पोर्शन पे मैं थोड़ा सा थिक लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद काजल के लिए स्टेक वर्किंग की काजल यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक काजल एंड अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ काजल को। बहुत ज़्यादा थिक काजल मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं थिक आईलाइनर ड्रॉ किया है। उसके बाद सेम ब्राउन शेड को एक पेंसिल ब्रश की मदद से मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड काजल को थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ आईशैडो के साथ। उसके बाद मैं मेबलिन की मास्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड मास्कारा को अपर एंड लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप फॉल्स आईलैशेज अप्लाई नहीं करोगे तो आप तीन चार कोट आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देते हैं। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट से ये दो शेड को मिला के मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कलर देते हैं। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट से गोल्डन हाइलाइटर शेड को लेकर मैं फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। नोज़ पे, आईज़ के इनर कॉर्नर पे, बोन एंड फोरहेड पे भी मैं हाइलाइटर यूज़ की है एंड लिप्स के ऊपर भी थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अप्लाई की है एंड उसके बाद कॉलर बोन पे भी हाइलाइटर मैंने यूज़ की है। एंड लिपस्टिक के लिए मैं L18 कलर पॉप्स की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें मेरा शेड है R38 अंडर बजट। ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है एंड उसके बाद मैं फेस को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज़ की है। मेरी फाइनल लुक, आई थिंक ये लुक आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन है ना, उसको भी आप प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।